आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। एनसीपी छोड़ने वालों के खिलाफ क्या है शरद पवार की रणनीति, संजय राउत ने किया खुलासा। बोले बीजेपी के साथ। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अपनी पार्टी छोड़ने वालों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। राउत ने पत्रकारों से ये भी कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रही है। उन्होंने कहा कि शरद पवार और उनके सहयोगियों ने पार्टी छोड़ने वालों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध रणनीति का चयन किया है। अजीत पवार और एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी में विभाजन हो गया था। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल। एनसीपी में कोई फूट नहीं होने और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पार्टी के नेता होने का दावा करने के कुछ घंटे बाद शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। राउत ने कहा कि शरद पवार कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वे महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। राउत के अनुसार इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो नामों की सवारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार के बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं है। राउत ने यह भी कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवसेना और एनसीपी दोनों को विभाजन का सामना करना पड़ा है। क्या कहा था शरद पवार ने? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक दिन पहले ही अजीत पवार को पार्टी का वरिष्ठ नेता और विधायक बताया था। बारामती से लोकसभा सदस्य सुले ने कहा था, जब उन्होंने एक ऐसा रुख अपनाया जो पार्टी के खिलाफ है और हमने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। एनसीपी में कोई फूट नहीं होने के सुले के बयान के बारे में पूछने पर शरद पवार ने बारामती में कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि कोई कैसे कह सकता है कि एनसीपी में फूट है। एनसीपी प्रमुख ने कहा था, किसी राजनीतिक दल में फूट का मतलब क्या है? फूट तब होती है जब किसी पार्टी का एक बड़ा समूह राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कुछ ने अलग रुख अपना लिया। लोकतंत्र में निर्णय लेना उनका अधिकार है।